हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आ जाइए आप हीट कैपेसिटी की दुनिया में। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी, मतलब डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट आर फॉर वन मोल ऑफ आइडल गैस एंड फॉर एन मोल सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन इंटू आर। Now also we can calculate ratio of Cp by Cv and ratio of Cp by Cv for ideal gas it is 1.4। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं और एग्जाम के लिए ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंड जी एंड कॉम्पिटिटिव्स। It is not in your textbook, so copy it, write down it and prepare it। आपने physics में ये topic पढ़ा हुआ है, लेकिन chemistry में भी आपको ये topic prepare करना ही है, भले physics में आता है। तो आप थोड़ा बहुत revise भी कर लो chemistry point of view। physics में आप पढ़ चुके हो कि the internal energy associated with any molecule, हेलो फिर से सुनो, the internal energy U associated with any molecule depends upon its degree of freedom, which means different modes of translations, translational, rotational एंड वाइब्रेशनल मोशन। फिर से सुनना है कि भाई इंटरनल एनर्जी कोई भी मॉलिक्यूल की किस चीज पे डिपेंड करती है, तो इट इज डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको फिजिक्स में आता है कि कौन कौन सी डिग्रीज, तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। नाउ फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस लाइक, मोनो एटॉमिक गैस मतलब क्या, तो मोनो मीन सिंगल, तो सिंगल एटॉमिक गैस कौन से हैं, तो जैसे हीलियम है, नियोन एटसेट्रा, मोनो एटॉमिक गैस उसको बोलते हैं। तो मोनो एटॉमिक गैसेस हैव ओनली ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वेयर एज अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ एन एटम हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो आपको मैं सिखाती हूँ कि फॉर मोनो एटॉमिक एंड फॉर पॉली एटॉमिक गैस और मॉलिक्यूल्स विच हैव एन एटम्स हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो आप नोट डाउन कर लेना पहले कि किसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अगर वो पॉली एटॉमिक है और लीनियर मॉलिक्यूल है, और अगर वो पॉली एटॉमिक है और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ये चीज़ें आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी कि लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करें, तो ट्रांसलेशनल उसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री 3 होती है और रोटेशनल डिग्री 2 होगा, जबकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशनल डिग्री 3 रहेगी और रोटेशनल भी 3 होगी। वाइब्रेशनल भी होती है, बट वाइब्रेशनल तो हायर टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री हम कंसीडर करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये वाइब्रेशनल हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं वाइब्रेशनल को। तो लीनियर
और नॉन लीनियर के लिए ट्रांसलेशनल और रोटेशनल जो डिग्री है वो कितनी है वो समझ में आ गई होगी। तो मोनोएटमिक गैस उसको तो रोटेशनल भी नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल होगा, और पॉलीएटमिक के लिए ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल तीनों डिग्रियां अवेलेबल हैं। नाउ ईच ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट 1/2 KT। कोई भी एक डिग्री ले लो तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2 KT जितना कंट्रीब्यूशन है इंटरनल एनर्जी में। एंड ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स ये रोटेशनल ट्रांसलेशनल का कंट्रीब्यूशन 1/2 KT और वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ KT। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग इट हियर। सो वी हैव टू कंसिडर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल ओनली। फिर से नहीं समझ में आता है तो फिर से देखो, मोनो एटोमिक गैस की बात करें तो उसमें तो सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री आएगी, बट पोली एटोमिक गैस के लिए ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल तो हायर टेम्परेचर पर कंसिडर करते हैं, बट ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और कोई भी एक डिग्री काइनेटिक एनर्जी में 1/2 KT जितना कंट्रीब्यूट करती है। अब देखो फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यू, इंटरनल एनर्जी यू पर मोल, यू पर मोल कितना होगा तो 3/2, 1/2 KT, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K की वैल्यू डाल दो तो आपको मिलेगा मोनो एटॉमिक गैस के लिए पर मोल उसका एनर्जी आएगा 3/2 RT। यू कितना आएगा, 3/2 RT। सो एज वी नो दैट व्हाट इज सीवी, तो सीवी इज नथिंग बट डेल्टा यू बाय डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो इट इज 3/2 R ओनली, हमने पढ़ा था Q बाय डेल्टा टी, तो 3/2 RT/T, तो टी कट 3/2 R, CV इज इक्वल टू 3/2 R, एंड एज वी नो दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू कैपिटल R, तो CP कितना होगा, तो R प्लस CV जितना होगा। तो यहाँ पे CV कितना है, तो 3/2 R जितना है, तो 2 मतलब CP कितना होगा, 5/2 R। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए सिर्फ हमको डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल कंसीडर करना है और कुछ डिग्री उसमें नहीं होता है। तो सीधा सीधा आपको CV कितना मिलेगा मोनोएटॉमिक गैस के लिए, 3/2 R और CP 5/2 R। नाउ फॉर डाई एटॉमिक गैस, तो फॉर डाई एटॉमिक गैस आपके लिए कितना आएगा CV, पहले वो निकालते हैं। तो फॉर डायटोमिक गैस हैव नॉट ओनली ट्रांसलेशनल मोशन बट ऑल्सो हैव रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एट मॉडरेट टेम्परेचर। नाउ कंट्रीब्यूशन बाय वाइब्रेशनल मोशन इज नेग्लिजिबल बट इट हैज 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ मोशन, हैंस टोटल एनर्जी यू आपको ट्रांसलेशनल की 3 और रोटेशनल के लिए 2 डिग्री है, तो ट्रांसलेशनल का डिग्री 3, रोटेशनल का 2, तो 3/2 RT फॉर ट्रांसलेशनल एंड फॉर रोटेशनल
इट इज 2/2 RT, सो 3/2 RT प्लस 1 RT इट इज 5/2 RT, और सीपी कितना हो जाएगा, तो अगेन आर प्लस सीवी, तो 7/2 RT डाई एटॉमिक गैस के लिए हो जाएगा। तो सिमिलरली फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, देखो यहाँ पे सीवी 3/2, यहाँ पे सीवी 5/2, तो फॉर ट्राई एटॉमिक गैस सीवी 7/2 होगा, तो वो 9/2 हो जाएगा। तो सेम वे आपको ये पूरा टेबल लर्न करना है, याद रखना है कि यहाँ पे रेशियो गामा दैट इज सीपी बाई सीवी रेशियो को सिंबल दिया गया है, गामा सिंबल दिया है इसके लिए। फॉर मोनो एटॉमिक गैस ये लिख देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फॉर मोनो एटॉमिक लाइक हीलियम एंड नियोन, तो सीपी कितना था, 5/2 अपॉन सीवी 3/2, आरआर तो कट हो गया, तो इट इज 5/3, तो इट इज 1.66 फॉर मोनो एटॉमिक गैस, CP/CV रेशियो 1.66। फॉर डाई एटॉमिक गैस, डायटॉमिक फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें दो दो एटम्स हैं, तो उनके लिए CP/CV, तो उनके लिए CP 7/2 अपॉन 5/2 आर, तो इट इज़ नथिंग बट 7/5, तो 1.40, 7/5 दैट इज 1.40। और फॉर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, ट्राई एटॉमिक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2, तो इसमें 3 एटम है, H2S, तो इसमें 3 एटम है, तो उसके लिए आप याद रखना 9/7 रेशियो मिलेगा, तो 9/2 अपॉन 7/2, आर 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 तो कट हो जाएगा सब में, तो 7/9 9/7, तो इट इज 1.30। तो आप बार बार ये लिखते रहो ताकि समझ में आए कि रेशियो गेमा CP/CV फॉर मोनो एटॉमिक गैस इट इज 1.66, फॉर डाई एटॉमिक गैस इट इज 1.40, एंड फॉर ट्राई एटॉमिक गैस इट इज 1.30, एंड फॉर आइडल गैस ऑल्सो 1.4 गेमा CP/CV फॉर आइडल गैस 1.4। नाउ एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चलो सीखते हैं कुछ, कोई प्रॉब्लम, या एक मिनट रुको, आपको बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम फिजिक्स में जो रिलेशन आते हैं मैं यहाँ पे भी रिवाइज करवा दूँ, क्योंकि जी नीट में थोड़ा बहुत काम में तो आते ही हैं ये रिलेशंस। तो रिलेशनशिप बिटवीन PVT फॉर एडियाबेटिक किसको बोलते हैं हम लोग, तो एडियाबेटिक मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होता और हीट रिलीज भी नहीं होता, जिसमें हीट कॉन्स्टेंट होता है, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस। तो PV raised to gamma is equal to constant, तो इसका मतलब होता है P1V1 gamma is equal to P2V2 raised to gamma।
ये सारे फॉर्मूले आपको फिजिक्स में आते हैं, केमिस्ट्री में नहीं आते हैं, लेकिन जब हम पढ़ने ही बैठे हैं तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर ले। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लिख दो टीपी, टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर प्रेशर का क्या रिलेशन है? तो टेम्परेचर प्रेशर इज टू 1 माइनस गामा बाय गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब T1 P1 1 माइनस गामा ओवर गामा इज इक्वल टू T2 P2 1 माइनस गामा ओवर गामा। और टी और बी वी के रिलेशन है जो तीसरे, वो भी याद रखना कि टेम्परेचर वॉल्यूम। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में गामा रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब TV1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TV2 गामा माइनस 2। तो ये तीनों फॉर्मूला के रिगार्डिंग क्वेश्चन फिजिक्स के जो होंगे वो मैं केमिस्ट्री के जो MCQ करवाऊंगी थर्मोडाइनेमिक के, तो मैं भी इसमें ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आपको, तो ये याद रखना। अब दूसरा कुछ और हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि भाई कैलक्यूलेट कैलक्यूलेट द एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर। कैलक्यूलेट द एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ आयरन ये तो इंक पेन भी अब खत्म हो रहा है। फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन 0.45 जूल, 0.45 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स पर ग्राम। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है तो आपको कैलकुलेट क्या करना है कि द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर, मतलब आपको क्यू फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे क्यू फाइंड करोगे? तो क्यू फाइंड करने का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एम इंटू सी डेल्टा टी। तो वॉट इज एम हियर? तो मास, तो यहाँ पे मास कितना है? 10 ग्राम मास दिया हुआ है। सी मीन्स हीट कैपेसिटी, वो भी आपको दे दी है 0.45, और डिग्री सेल्सियस दिया है। तो यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 500 माइनस 25 जूल, तो दैट इज 2137.5 जूल। मतलब आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करो तो समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं कि कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ आयरन फ्रॉम दिस टेम्परेचर टू दिस टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट इज गिवन हियर। तो क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। चलो एक दूसरा मस्त क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस, 5.6 डेसीमीटर क्यूब
ऑफ एन अननोन गैस ऑफ एन अननोन गैस एट एसटीपी रिक्वायर्स फिफ्टी टू पॉइंट ट्वेंटी फाइव जूल ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टंट वॉल्यूम कैलक्यूलेट सीपी सीवी एंड एटॉमिसिटी ऑफ गैस एटॉमिसिटी ऑफ गैस. देखो फिर से नोट डाउन करो कि 55.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस एट एसटीपी रिक्वायर्स 52.25 जूल ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट सीपी सीवी एंड एटॉमिसिटी ऑफ गैस. तो ये वाला क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करना है वो देखो. अब तो 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस एट एसटीपी रिक्वायर्स 52.25 जूल हीट. मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है तो क्यू दिया गया है. तो क्यू से आपको कैसे सीपी सीवी मिलेगा वो देखो. तो फॉर 1 डिग्री 1 मोल ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विल रिक्वायर हीट. 1 डिग्री के लिए जो हमको चाहिए उसको हम हीट कैपेसिटी सीवी बोलते हैं ना एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. तो यहाँ पे आपको 10 डिग्री राइज किया गया है टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री. तो 10 डिग्री के लिए कितना है 52.10 डिग्री राइज फॉर 0.25 मोल एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रिक्वायर हीट. तो फॉर 1 मोल ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कितना मिलेगा वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. मतलब क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्यू है, क्यू कितना है तो 52.25 जूल आपको दे दिया गया है. टेम्परेचर कितना है आपके पास तो टेम्परेचर राइज बाय 10 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी वी. तो सी वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ मोल एन. तो आपको क्यू कितना है 52.25 डेल्टा टी. टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और मोल कितना दिया हुआ है तो मोल क्वेश्चन देखो भाई मोल कितना है इसमें. मैं तो क्वेश्चन में मोल लिखना ही भूल गई. क्वेश्चन फिर से लिखो आप एक बार कि 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस एट एसटीपी रिक्वायर्स 52.25 जूल ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट सी पी सी वी एंड एटोमिसिटी ऑफ द गैस. ओके तो मोल तो आपको निकालने पड़ेंगे. तो मोल कैसे निकालेंगे आप. तो मोल यहाँ पे आपको कुछ तो दिया गया है वो है वॉल्यूम आपके पास 5.6 डेसीमीटर क्यूब. तो 5.6 डेसीमीटर क्यूब तो मोल कितने मिलेंगे तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. वी नो दैट. तो 1 डेसीमीटर क्यूब दैट इज 1 लीटर. तो 5.6 डेसीमीटर क्यूब
दैट इज इट मीन्स दैट 5.6 लीटर हो गया. तो मोल कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. तो यहाँ पे 5.6 अपॉन 22.4 लीटर, तो इट इज़ 1/4. तो 0.25 मोल आपको मिल जाएंगे. तो सीवी के लिए मोल मिल गए. तो आपकी सीवी कितनी मिल गई, 20.9 जूल. अब सीवी आपके पास आ गया 20.9 जूल. तो सीपी कैसे लाओगे, तो सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर करना पड़ेगा. तो 20.9 प्लस आर का वैल्यू जूल में कितना आता है, तो 8.314 आएगा ना जूल पर केल्विन. तो टोटल वैल्यू 29 हो जाएगा. तो 29.214 जूल पर केल्विन पर मोल. तो आपका सीवी भी मिल गया, तो सीपी सीवी दोनों मिल गया. अब एटोमिसिटी बोल रहा है, तो कांस्टेंट गेमा फाइंड करना पड़ेगा कि सीपी ओवर सीवी कैसे आता है. तो सीपी 29.214 अपॉन सीवी 20.9, तो आंसर 1.4. और अभी अभी एक टेबल हम पढ़े थे, कौन सा टेबल, तो एक टेबल में हमने सीखा आज कि भाई 1.40 सीपी ओवर सीवी रेशियो डाई एटॉमिक गैस के लिए है. तो एटॉमिसिटी ऑफ दिस गैस इज डाई एटॉमिक गैस. तो ये आप ध्यान से लिख दो, एक बार पढ़ लो, समझ लो, और ऐसे एक दो क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देने वाली हूँ. और इसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में क्या है थियरी, तो मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच बॉम्ब कैलोरी मीटर, और वो वाली थियरी पोर्शन है शायद, देखना पड़ेगा. तो नेक्स्ट थियरी में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सारी जितनी भी एंथैल्पीज़ है ना, वो स्टेप बाय स्टेप सब एंथैल्पी और उसके रिगार्डिंग सम सॉल्व करेंगे.